सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का महज चंद घंटों में ही पुलिस ने हत्यारों को धर दबोचा। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। खंडवा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 नवंबर 2019 शनिवार को दोपहर 3:20 पर रुस्तमपुर रोड मोटी माता के मंदिर के सामने सुरेंद्र जैन के तौर के खेत में अज्ञात व्यक्ति ने मां बेटी की निर्मम हत्या कर फरार हो गया था। पंधाना थाना प्रभारी जेयू सिद्दीकी को सूचना मिली, वह अविलंब घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। तत्काल एसपी शिवदयाल सिंह, डॉक्टर विकास मुजालदा, एफएसएल अधिकारी के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर तफ्तीश में पता चला कि मृतक महिला सुनीता पंधाना अपनी बच्ची शिवानी को तांत्रिक शेर सिंह उर्फ तेज सिंह के पास इलाज कराने आई थी। घर जाते समय सुनीता व बच्ची को तांत्रिक का लड़का रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया था। सुनीता को पास के खेत में हत्या से पहले आरोपी रमेश द्वारा मृतक महिला से दुष्कर्म किया तथा दुष्कर्म के अपराध को छुपाने की नीयत से महिला एवं उसकी 11 माह की पुत्री की हत्या की गई। पुलिस ने अपराध क्रम संख्या 562/19 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध किया। साथ ही तांत्रिक शेर सिंह को साक्ष्य मिटाने तथा आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पर धारा 202 व 120B भादवी का आरोपी बनाया गया। मध्य प्रदेश खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसमें मर्डर की धारा 302, 120B सर, कुल कितने आरोपी थे? और दो आरोपी हैं इसमें, जो लड़का है उसका तांत्रिक का वो और स्वयं है, उसने घटना में उपयुक्त हथियार और छुपाने में मदद। कहाँ के निवासी है? पंधाना थाना क्षेत्र के निवासी हैं ये। रुस्तमपुर रोड में इन्होंने एक स्थान बना रखा है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया। अस्थायी रहते हैं। पंधाना थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला का शव खेत में मिला था, उसके साथ ही उसकी एक छोटी बच्ची लगभग 1 वर्ष के थी, उसका शव भी मिला था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर उस घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें महिला एक तांत्रिक के पास इलाज कराने के लिए गई थी। सुपूर्ण तांत्रिक के बेटे ने उसका पीछा किया वापस आते हुए और पीछा करके उसका रेप किया और उसके बाद महिला के साथ उसका मर्डर किया। इस पूरे प्रकरण में चूंकि बहुत ही जघन्य अपराध था, इसमें 10,000 रूपये के इनाम की घोषणा की और आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके यहां से चाकू और मोटर साइकिल जब्त कर सर, इसमें जो तांत्रिक क्रियाएं करता था और किस तरह से मतलब एक जो मामला सामने आ रहा है, क्यों इलाज कराने? महिला अपने घर से बच्ची को इलाज कराने के लिए तांत्रिक के पास लेकर गई थी। वो पहले भी वहां जाती रही है और चर्म रोग का बच्ची को उसके लिए इलाज कराने के लिए वहां पर जाके उसका बच्ची की झाड़फूंक कराई। जब वापस लौट रही थी तो सुपर तांत्रिक है उसके बेटे ने उसका पीछा किया, पीछा करके खेत में ले जाकर उसका दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के साथ उसकी बाद उसकी हत्या कर दी। जब बच्ची चिल्लाने लगी और बच्ची के रोने की आवाज आने लगी तो बच्ची काफी उसमें मदद कर। सर, इसमें जो है 24 घंटे अंदर खुलासा क्या, किस तरह का इनाम की घोषणा की जा रही है क्या? चूंकि बहुत ही सनसनी खेज वारदात थी और ब्लाइंड मर्डर था, इसमें ना तो महिला की पहचान हो पाई थी उस टाइम पर, ना ही किसी आरोपी को पहचाना जा सका था। तो इसमें 10,000 रूपये के इनाम की घोषणा की गई, लेकिन पुलिस ने बहुत तत्परता दिखा था तो इसको तत्काल गिरफ्तार किया आरोपी को और उससे सभी सबूत। थैंक यू।